बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारे भैन भैया अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा अली व्लॉग्स, इनू कर लियो ताकि हर वीडियो पर वक्त न मिल सके। अच्छा जी, आज क्या आया ऐ चिट्टा जोड़ा ला के तेल पीन लगियाँ चाय अली चाय भाजी चाय। हाँ जी फिक्की, बिल्कुल फिक्की है भाजी। पानी अली तुसी पानी पीना, पानी क्यों कोल पई है, अगर पीना तो गल करो। मैं तो धुप सेकी है तो प्यास लग गई, मैं क्या थोड़ा जा इदा का भाजी मौसम। हाँ जी इदा का भाजी मौसम होना चाहिए। भाजी मैं तो अली ने जर्सी पाई उठ के ते फिर असी लाई। बिस्मिल्लाह भाजी लो पानी, बहुत प्यारी धुप असि जी धुप सेकने नाल पीने चाहे भाजी की करते आए आप दे नहीं बड़े भाजी अज। अच्छा बीन मेरे को बुखार दी गोलियां पईया। अच्छा देसी घ्यो मेरे को पिया वजह नहीं। अच्छा सही ठीक ते मेरे को बुखार दी अल्थराम गोली ते एरी नेक पई हो मेरा वीरा जांदा हो लाजी भाभी वास्ते एरी नेक पई थी शाम में दी। अच्छा तने बुखार ना होवे सारा घर चक्की फिरदी सिर ते। हां एक भाजी गड्डी मियां बीवी गड्डी ते दो टायर आ एक वे विचो खजक जे ना गड्डी दा ते गड्डी नहीं करदी तुरदी। जिदन का भाजी का ऑपरेशन होया सारा पट्ठे वड अपना कुत्तर कली वड भी लैंदी चुक भी लियांदी शेरनी। अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी चाह पीनी है दुध पत्ती अम्मी जी हुणा दे मझ दे दुध दी कित्थों दुध आया ते कित्थे असीं चाह पीण लगे। अच्छा जी भाजी पट्ठे चाय पीती है, मैं कहा भी चलो मैं ना चिकन चंगी तरह पहले रोड़ रोड़ के रोड़ रोड़ के रोड़ रोड़ के रोड़ रोड़ के रोड़े जिमे अगे रोड़नी चल मेरा मैं आगे मेरी तबीयत नहीं सही। बस ठीक है अपनी बारी पता ही ना कुछ हों भी नहीं तभी भी बां बां कर दी तैन कि पता तो पट्ठे खिंचे जाने मैनू लगता तेरे कंज उदान की थाने तेरे कंज किसी ने आखिया तेरे पट्ठे खिंचे गए तेरे पट्ठे खिंचे गए। चल तू ही ना दंद कड़ बस ठीक हो जाओगी पूरे इलाज की आलू शुगर बेइंतहा आलू चावल बाहर वाह निकली लेकिन ठंडी हवा चल पई है
एडवांस कोरा बारिश तो बगैर खुंगर वाला अंबा ने कुछ कर लो आज करना अंबा ने जो के छोरा है फिर भी श्रीया दा हां उन्होंने कुछ कूले कूले पाजी ने ना कूले कूले ने उते ते वो पत्थर ना चलो फिर भी ते कुछ कर उन्होंने तो कादर मुंड लाया काकिया दी मौज मौज ओ करा दे उते छापर पा दे हां छापर जो पर पा दे छापर का कितना दा बाजरा या का सोट छड़ा दे उते छापर सुट के ना की नाली घे जो छापर पा दे बस घा सुट छा प्याज कट के अच्छी तरह मैं धो लिया टमाटर मिर्चा आलू धो के फिल्टर वाले पानी च रख दी ताकि इन्हों का कलर खराब ना हो वास्ते सुहांजरिया के पत्ते लेके आई हाँ धो के रखे हजे नहीं खाने चिकन निकाल के रखे हुआ वो कूड़ा रखा वा है देखो अदरक और लहसुन काफ़ी भैन कह दें कि मैं तो अदरक नहीं इस्तेमाल कर दी कदी हाँ जेकर खत्म हो गया तो मैं नहीं इस्तेमाल कर दी तो मैं अदरक इस्तेमाल करती हाँ तो अदरक ना हो फिर मैं लहसुन ज़्यादा पा लैनी हाँ नहीं तो अदरक इस्तेमाल मैं करती हाँ कदी हाँ भी खत्म हो जाए घरों तो फिर मैं नहीं करती तो ये हम पेस्ट बना लें अदरक लहसुन का पैंटी ला लें अदरक तो लहसुन की जी पेस्ट बना के कुंडा धो के रखे वा तो मैं कप लेके आई हाँ बिस्किट लेके आई हाँ मिठे भी और नमकीन भी तो कितने बच ज़्यादा है मैं जरा ना उन्होंने चाय बना के देन लगी हाँ असी तो हमने पीती है असी तो नहीं पीवेंगे भाई मनोवर आए पानी लैन तो वाल बारों बंद तो मैं खोलती हूँ देखो जी काली ले लगा के देखी हुई सी तो मैं अग दे बनाना सी लेकिन बाहर बहुत हवा चल रही है ऑयल पा लिया वा तो ऑयल नूं चंगी तरह गर्म कर दें फिर असी विच प्याज पावांगे चाय मैं बाहर पकड़ाया ही हाँ अच्छा जी दूध गर्म करके तो जमन लगाना वा थोड़ा दही जमाना वा लेकिन गल ये आ कि जमावा कड़ी चीज़ के एक चीज़ लवा पहले अच्छा जी दूध पावां विच थोड़ा जिहा ना गर्म करके तो जमन लाना वा दही जमाना थोड़ा जिहा वैसे इन्ना कि दूध है तो इन्ने कि दही जमाना वा पानी नहीं बिच पाना दूध फिर दही ना पतला बनेगा दूध ने ना गर्म कर दी हाँ चुल्हा मैं पालता वा इधर ऑयल गर्म हो गया प्याज पा लें प्याज को हल्का फ्राई करती हूँ जीते मैं पेस्ट पाऊँ प्याज जीते फ्राई हो गए अदरक और लहसुन का पेस्ट पा दिए कुछ सेकेंड इस तरह फ्राई करना लेकिन पानी का छिट्टा मैं पहले लगा लिया सी ताकि ना स्मेल नहीं आती फिर अदरक लहसुन के पेस्ट तो बाद बनाई करने के बाद पावांगे जी टमाटर हरिया मिर्चा मिक्स कर दें तो उपर दे देंगे ढकना इस तरह थोड़ा जहा पानी का छिट्टा लगा लेंगे क्योंकि टमाटर ने उस टाइम पानी नहीं छड़ देना होंगे तो मिक्स करके चंगी तरह तो उत्ते दे देंगे थाली तो इधर जा लेंगे दोबारा चुल्हा तो हले दुध नूं काढ़ना वा अच्छा जी दुध कड़ कड़ के कड़ गया देखो मलाई आना शुरू हो गई है तो हम मैं चुल्हा बंद कर दवा ठंडा करके ना फिर जमन लाना वा पापा ने करनी तो थाली नहीं देनी क्योंकि मैं कोल बैठी हांडी बना रही हूँ तो इस करके जल्दी ठंडा हो जाऊगा टमाटर अच्छी तरह नरम हो गए तो थोड़ी देर होर बना पकाने हैं अच्छा जी टमाटर अच्छी तरह नरम हो गया हम अच्छे पावे पाउडर मसाले
ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਧਨੀਆ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, ਦੜਾ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੌਂਗ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਊਡਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਊਡਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮ। ਅਲੀ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਛਿਲ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, 2 ਆਲੂ, ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਨਵੇਂ ਆਲੂ ਆ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਲਦੀ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਲੂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲੂ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਚਮਚੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀਰਾ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੁਣਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਾਲ ਦੁਖਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮ। ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਨੀਆ, ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਲਿਆਉਂਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੋਲ ਧੋ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਆ। ਮੂਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਧਨੀਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਲਾਂ ਆਪੀ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਨਿਤਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਪਿਛ ਨਵਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਆਪੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਣ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਣ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਖਲੋਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਵੱਢ ਕੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਥੂ ਪੱਟਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦ। ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਵਾਲੀ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਧੋਦਿਆ ਕਰਨਾ ਗੰਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਲਕ ਕੱਟ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂਦਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਭੈਣ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂਦਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਧਨੀਆ, ਫਰੈਸ਼ ਧਨੀਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਵਾ ਨਾ ਹਿਲਦੇ ਆ ਵਾ, ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਖਾਦ, 2 ਕੱਟੂ ਖਾਦ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਥਾਲੀ ਵਿਰਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਲਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੱਡੇ ਗਰਮ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ।
नीम गर्म आ ते जमन भी नीम गर्म दा लगना क्योंकि लस्सी ठंडी है ते नाल लगदी मैं देखची धो के ते रख लैनी हाँ। अच्छा जी दूध ठंडा हो गया वा, हुण मैं थोड़ी जी ना लस्सी ला दा बस निक फ्रिज रखी सी अच्छी तरह मिक्स करके ढकना बंद कर देना वा। थोड़ी देर मैं इतने ही रख इन्हों किसी खेस लपेट देना दुध न। अच्छा जी ओ मैं दूध ढक के आई हूँ, पानी साड़ा गया पक 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 के खमला हो गया। मैं कहनी इतने हम पावे असं हरिया मिर्चा तो धनिया तो गर्म मसाला, थोड़ा गर्म मसाला पा लिया, नमक नहीं मैं चेक किया ताकि नमक भी चेक कर ला, नमक पूरा ना ना हो, मैं कहनी हूँ मज़ा नहीं आता। नमक चेक कर ला पहले एक बार, फिर मैं धनिया पानी हाँ। अच्छा जी नमक बिल्कुल पूरा वा, नमक नहीं मैं पाया, बस इतने हम धनिया पाना वा तो हरी मिर्च पानी है। ग्रीन धनिया आल हाय है मेरा फेवरेट। मज़ेदार सालन बन के साडा हो गया जी तैयार। जेड़े जेड़े मेरे भैन भरा ने खाना आ जाओ, आलू चिकन छोड़ो बेज रोटी पे के तो मैं देगी खानी, लेकिन हले नहीं, हले सिर्फ मैं सालन बनाया वा, जोर दियाँ आसाना हो गई हले नमाज पढ़नी है। चूल्हा बंद कर दी है, कंबल मैं ना दही बॉल पा के रख दिता क्योंकि सर्दी है ना ठंड के फिर दही नहीं जमता तो लपेट दिता वो। अच्छा जी जोर की नमाज पढ़नी हूँ, ब्लॉग तो मैं करती एंड, रब सुन के हवाले रब रखा, अल्लाह हाफिज़।